बोल रहे हैं, सीधे वहीं का रुख करते हैं। उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया जाएगा, जांच बिठाई जाएगी और अखिलेश जी आप अपने वफादार लोगों के द्वारा जो पाप कर रहे हो आप उनको बचा नहीं पाओगे, ये लिख करके रखो। क्या सरकार का उपयोग ऐसे करते हो? अपने विरोधियों को जेलों में बंद करने के लिए कानून का दुरुपयोग करते हो? भाइयों बहनों, आज मैं उत्तर प्रदेश की धरती पर आया हूं, ये मेरी चौथी रैली है। जहां जहां गया हूं ऐसा जनसैलाब देखा है, ऐसा लग रहा है मानो जैसे पूरा केसरिया सागर उमड़ पड़ा है। भाइयों बहनों, जिसको राजनीति का रस समझ नहीं होता उन्हें भी पता चलता है ये आंधी नहीं तो क्या है। भाइयों बहनों, आज संत रविदास जी की जयंती है। काशी के लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री के लिए सांसद बनाने में काशी के आशीर्वाद रहे। पूरा उत्तर प्रदेश पूरी ताकत के साथ मेरे साथ खड़ा हो गया। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों ने, अगर आपने मुझे ताकत न दिखाई होती तो भाइयों बहनों आज देश को स्थिर सरकार न मिलती, आज देश में मुझे प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का सौभाग्य नहीं मिलता, ये आपके कारण मिला। और वो काशी जहां संत रविदास जी का जन्म हुआ, 500 साल के बाद भी पूरा हिंदुस्तान संत रविदास जी की बातों को स्मरण करके अच्छाई के रास्ते पर चलने का प्रयास करता है। मैं संत रविदास जी के चरणों में नमन करता हूं, आदरपूर्वक नमन करता हूं और जात पात से परे, पंथ परंपरा से परे मानव का कल्याण करने का संत रविदास जी ने जो संदेश दिया है, ऊंच नीच का भेद किए बिना सबको अपना बनाने का संदेश दिया है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये संदेश जी महापुरुष ने दिया है। उस पवित्र संदेश को जी करके अगर कोई सरकार दिखाती है तो सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार कर रही है। भाई संत रविदास जी का आत्मा जहां भी होगा आज सबसे ज्यादा संतोष उनको होगा, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता दिखाया है इस रास्ते को पार करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है। भाइयों बहनों, मैं आज बिजनौर आया हूं। लोकसभा के समय नहीं आ पाया था, उसके बावजूद भी
आपने प्रेम देने में कोई कमी नहीं रखी थी भाई, कोई कमी नहीं रखी थी। और आज तो मैं देख रहा हूं अध्यक्ष जी पहुंच पाए। देखिए जनता का प्यार देखिए। भाइयों बहनों, ये हमारा पूरा इलाका कोई भी मुझे कहे आखिर सरकार किसके लिए होती है, सरकार किसके लिए होती है भाई, गरीब के लिए होती है कि नहीं होती है, ईमानदार नागरिक के लिए होती है कि नहीं होती है, सज्जन लोगों को रक्षा करने के लिए होती है कि नहीं होती है। आज कोई हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश से परिचित हो, कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक जिसका भाजपा से कोई लेना देना ना हो, राजनीति से कोई लेना देना ना हो, ऐसा सीधा साधा सज्जन नागरिक, एक भी नागरिक ये बताएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार सज्जनों की रक्षा करने वाली सरकार है? जरा जोर से बताइए, है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ईमानदारों की रक्षा करने वाली है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार मां बेटियों की रक्षा करने वाली है, नौजवानों का भविष्य बनाने वाली है, किसानों का भाग्य सुरक्षित करने वाली है? जो सरकार ईमानदार का भला न कर पाए, सज्जनों का भला न कर पाए, दुखी पीड़ित शोषित वंचित उनका कल्याण न कर पाए, क्या ऐसी सरकार की जरूरत है? तो वेस्टर्न यूपी यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम सीट यानी कि बिजनौर, वहां पर बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरोप छोटे से ब्रेक के लिए फॉरन लौट रहे हैं।